हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो गाइस, काफ़ी दिन से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं करी, तो आज मैं आपको जो है जो डिजिटल मीटर होता है जो कि अभी आ रहे हैं मार्केट में, उसका जो स्पीडोमीटर सेंसर होता है जो कि मैग्नेटिक सेंसर होता है, उसको कैसे सेट करना है ये मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। तो गाइस, कुछ इस टाइप से एक स्ट्रिप आती है इसके साथ, और साथ ही इसके जो है तीन जो है मैग्नेट के पीस आते हैं। तो ये मैं करूँगा अपने जो फ्रंट व्हील में सेट इसको। तो पहले सबसे पहले इसकी जो पत्ती है इसको इस प्रकार से मैं लगा दूंगा, और जो इसका बोल्ट है इसको मैं टाइट कर दूंगा वापस से। तो गाइस, यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ एडजस्टेबल रेंच, लेकिन आप जो है स्पैनर की मदद से ही इसको टाइट कीजिएगा, क्योंकि इससे कभी कभी क्या होता है नट बोल्ट वगैरह जो है स्लिप होने का डर रहता है थोड़ा, तो आप इसको जो है स्पैनर ही प्रेफर कीजिए। मेरा स्पैनर एक्चुअली घूम गया, तो इसलिए मैं अभी इसका यूज़ कर रहा हूँ। तो गाइस, कुछ इस टाइप का जो मैग्नेटिक सेंसर होता है, इसके साथ जो है वायर आपको मिलती है, तीन वायर जिसमें जो है आती हैं। तो सबसे पहले मैग्नेटिक सेंसर का जो एक बोल्ट है उसको खोल के आपको जो है इस पत्ती में लगाना होता है। तो इसको थोड़ा सा पहले हल्का सा मैं टाइट कर दूंगा। और गाइस, इसके बाद आपको ये जो मैग्नेट है यहाँ पर लगानी है, तो आप जो है अपनी सहूलियत के हिसाब से लगा सकते हैं। आप एमसील का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप जो है 3M की डबल टेप का यूज़ कर सकते हैं। तो 3M की डबल टेप भी अच्छी रहेगी, लेकिन आपको जो है परमानेंट अगर लगानी है तो आपको जो है एमसील अच्छी रहेगी। लेकिन हाँ, पहले आप जो है सेंसर की सेटिंग कर लीजिएगा, क्योंकि सेंसर की सेटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है इसका। तो मेरे को भी काफ़ी टाइम लग गया, इसको पहले चेक करना पड़ता है, मतलब एक राइड लेके कि मतलब सेंसर सही काम कर रहा है नहीं। तो इस प्रकार से आपको जो है एक 3M की डबल टेप या फिर एमसील लेके पहले हल्का सा इसको सेट करना है, और जब आपका सेंसर वगैरह की सेटिंग जो है कंप्लीट हो जाए तो आप उसको जो है परमानेंटली जो है फिक्स कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 3M की डबल टेप का यूज़ किया है, तो यहाँ पर मैं तीन जो इसके जो मैग्नेट है उसको जो है 3M की डबल टेप से इस प्रकार से मैं लगा देता हूँ। तो गाइस, आपको जो जो मैग्नेटिक सेंसर है इसको एडजस्ट यहाँ से आप कर सकते हैं। तो बिल्कुल एकदम मैग्नेट के जो मैग्नेट के छोटे छोटे पीस है उनके साथ बिल्कुल एकदम थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए। तो ये आपको जो है एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और आपको जो है बार बार टेस्ट राइड करके जो है चेक करना पड़ेगा कि अभी सेंसर जो है काम कर रहा है अच्छे से या नहीं। तो इस प्रकार से जो है आपको इसको जो है अच्छे से जो है एडजस्ट करना है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि ये जो मैग्नेट सेंसर और इसमें जो है डिस्टेंस बिल्कुल एकदम हल्का सा होना चाहिए, और बिल्कुल एकदम टच भी नहीं इसको करना चाहिए। तो इस प्रकार से इसकी सेटिंग होती है। तो गाइस, अभी आप देख सकते हैं मैं काफ़ी स्पीड से चल रहा हूँ, लेकिन इसकी जो स्पीड है अभी 9-10 के करीब है। तो अभी इसमें जो है प्रॉब्लम है, तो मेरे को जो है तीन बार इसको मैंने सेट किया, फिर ये परफेक्ट काम करने लगा ये। तो ये पहली बार की है ये वीडियो है, ये पहली बार की है जब मैंने एकदम मतलब ऐसे लगाया था, तो तभी मैंने टेस्ट राइड की थी इसकी। तो गाइस, ये जो दूसरी बार में जब मैंने इसको टेस्ट किया तो काफ़ी अच्छा ये काम कर रहा था, लेकिन फिर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम मेरे को रह गई थी इसमें। और जो फाइनल है वो तीसरी बार में ये मैंने सेट कर लिया था इसको। तो गाइस, फाइनली मैंने इसको भी सेट कर लिया, तो आप देख सकते हैं अभी ये परफेक्ट काम कर रहा है। तो गाइस, ये जो मीटर है ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन बस ये इसका जो स्पीडोमीटर का सेंसर है इसको थोड़ा सा एडजस्ट करने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। बाकी ये मीटर मतलब एकदम काम करता है अच्छे से, और जो इसकी लुक है वो काफ़ी अच्छी लगती है मेरे को। तो ये इसके ऊपर जो वीडियो है वो बहुत जल्दी आएगी, एक दो दिन में मैं इसकी जो वीडियो वो पब्लिश कर दूंगा। तो मेरे ख्याल से दो पार्ट इसके बनेंगे, क्योंकि एक वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो आप बता दो, अगर आपको एक वीडियो चाहिए तो मैं एक ही बना दूंगा, अगर आपको दो चाहिए मतलब दो में ऐसा होगा कि आपको जो मैं अच्छे से समझा पाऊंगा, और अकेली अकेली चीज़ है उसको कट नहीं करना पड़ेगा, तो वो अच्छे से हो पाएगा। तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना कि आपको इसके दो पार्ट चाहिए या एक पार्ट चाहिए। बाकी गाइस, अगर आपको ये मीटर परचेज करना रहेगा तो लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अभी बात करते हैं इसके प्राइस की, तो प्राइस इसका जो है $28 के आसपास है, जो कि 2000 से आपको जो है 2200 के बीच बीच में मिल जाएगा। तो गाइस, अपने भाई को आपको सपोर्ट करने के लिए सिर्फ एक लाइक का बटन दबाना है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो भी आपको वीडियो अच्छी लगती है उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए बाइक से रिलेटेड वीडियोज लेकर आता रहता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय, टेक केयर।